कमाल यार, वो उड़ गया, वो देखे वो जा रहा है, इसका बार बिल्कुल एक्सपायर हुआ पर है, टूटा हुआ। ये देखे ये जा रही है, ये देखे दोस्तों ये बाहर आ गया, वो देखे वो उड़ गया, वो गया। ये कोयल का बच्चा है, हाथ के बिल्कुल करीब बैठ कर बिठाते हैं, इस बर्ड्स को अपने हाथों से पकड़ा। कौवे का बच्चा यहाँ पर चिल्ला रहा है, जिंदगी में पहली मर्तबा मेरे हाथ में ये बाज आया है। चेक करते हैं यार दोस्तों, वो की और कुछ चीज है दोस्तों, इसके अंदर आवाजें आ रही है, इसमें तो तोते का बच्चा वॉकी और यार इतना ज्यादा चिल्ला रहा है यार, ये तो बहुत छोटा बच्चा यार, और है और देखते हैं, और कुछ नहीं है यार। आराम से बैठ रहो बैठ रहो बैठ रहो, शोर ना करो, बैठ रहो, बहुत ज्यादा शोर कर रहा है यार। तो दोस्तों इस हॉल के अंदर हम देखते हैं कि इस हॉल में हमें क्या मिलता है, आगे से बाहर निकालते हैं और देखते हैं क्या है। ओ मट्टी मट्टी, ओ यार, दोस्तों हमारे पास दो दो तोते के बच्चे आ गए हैं। आराम आराम से अहमद, आराम आराम से यार, ये उड़ भी सकता है तोता। ओ उड़ गया, वो देखे वो जा रहा है, वो गया, वो तेरी खैर हो। ओ यार लाख रुपए का तोता यहाँ पर उड़कर चला गया, इस तरफ गया है, पता नहीं कहाँ है। अब हम चलते हैं ढूंढते हैं तोते को। ओ यार ये लोमड़ी का होल है, यहाँ पर लोमड़ी के कदमों के निशान भी बने हुए, इतनी बड़ी होल है यार। ओए होए होए, इसके अंदर लोमड़ी भी हो सकती है यार। अभी हम हट जाते हैं, आगे चलते हैं देखते हैं। ओए होए होए यार, ये लोमड़ी फॉक्स की गोर है, फिर कभी हम लोमड़ी को पकड़ेंगे। और भी हम देखते हैं, और भी यहाँ पर बहुत ज्यादा होल है, ये जगह बहुत खतरनाक है। ओ देखे वो उड़ गया, वो गया, तेरी घर, ये देखे ये गया, यहाँ पर तोते हुई पकड़ लिया, हुई बहुत ज्यादा कॉर्ड रहे, होल भी टूट रही है। खून आ रहा है उंगली में, खून आ रहा है दोस्तों, देखे मेरी उंगली में खून आ रहा है तोते की बाइट की वजह से। पकड़ लिया है यार हॉल के अंदर, और देखता हूँ कुछ है या नहीं है, इसे मैं अपने हाथों में पकड़ रखता हूँ। हॉल में और कुछ नहीं है, एक तोता हमें मिल गया, तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि और तोते हैं या नहीं है। यहाँ पर अजीब अजीब निशान बने, सांप वगैरह भी हो सकते हैं यहाँ पे, आगे तक छुपा दिया, सांप वगैरह भी यहाँ पर निकल सकते हैं, ये बहुत खतरनाक होल है। और भी यहाँ पर बहुत ज्यादा परिंदे, तो वो भी हम देखते हैं, चेक करें। ये हमारे घर के करीबी नहर है और इसमें बहुत ज्यादा परिंदे हैं, ये देखें दोस्तों, डक्स की शक्ल का यहाँ पर एक परिंदा घूम रहा है, हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये देखे ये जा रही है, मैं किसी को बुलाता हूँ, ओए जल्दी आओ भाग आओ, यहाँ पर चेक करो यार, मुझे लगता है यहाँ पर आ गए वो जंगली परिंदा, यहाँ पर देखते हैं। जंगली परिंदे को पकड़ लिया है, जल्दी आओ यार बाहर ले आओ, शाबाश, वाह यार वाह, देखो दोस्तों इसने झाड़ियों के अंदर जाके इसे पकड़ा है, वाह यार वाह, तू तो कमाल परिंदा बैठे से, पकड़ो पकड़ लो, कैसे पकड़ लो पकड़ो यार, ये कहाँ जा रहा है, आराम से ये उड़ नहीं सकता अहमद, शाबाश आराम से पकड़ लो। ओए होए होए, यहाँ पर देखें दोस्तों, इसका पर बंधा हुआ है, नहीं यार टूटा हुआ है इसका पर। ओहो हो दोस्तों, पंजे देखें आप इसके, दिखाना यार, आराम से बैठा है इसके हाथ के ऊपर, वाह यार वाह, ये तो तेरा टेम है। पंजे देखें दोस्तों इसके, काफी बड़े पंजे हैं इसके, ओए होए होए, कैसे टूटा होगा यार इसका पंख। हाथ पकड़ा हुआ है अहमद का, अहमद दर्द हो रहा है तुझे? हाँ। दर्द हो रहा है वजीर भाई, छुटवा ले यार, टूटा हुआ है। हाँ, ये किसी शिकारी का काम है। देखें दोस्तों, ओए होए होए, यहाँ पर टांगे भी लगे हुए हैं, काटता है वजीर भाई ये? हाँ ये काटता भी है। चूंच देखें दोस्तों इसकी, ये इसके चंबे जो है ये खतरनाक होते हैं, वो चंबे देखें। हाँ। बहुत ही खतरनाक है इसके चंबे, ये अपने चंबों से शिकार को पकड़ता है। आप इसे अपने पास रखें, इसका इलाज करें, जब इसका इलाज हो जाए तो आपने इसे आजाद कर देना, ठीक है? अभी ये काफी मुझे वीक लग रहा है, तो हम इसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इसे सेहत दे, ये बिल्कुल पहले जैसा हो जाए और उड़ने के काबिल हो जाए, अपनी जिंदगी अच्छी तरह से गुजारे, बिल्कुल ठीक हो। काफी गुस्से में है दोस्तों, इसकी शक्ल देखें, काटने के मूड में ये, वजीर भाई ने कपड़े के साथ इसे पकड़ा हुआ है। ये तो बहुत, ये रोटी भी खाते हैं, गंदम खाते हैं, फ्रूट भी खाते हैं और सब्जियां भी खाते हैं, तो इसे हम अपने पास ले चलते हैं, इसे चीजें खिलाते हैं, देखते हैं ये क्या क्या खाती है। वजीर भाई आप इस गुलेरी को केज के अंदर डाल रहे हैं, इसकी टांग भी खोलेंगे, कपड़ा आ गया है, ये लो वजीर भाई कपड़ा। वजीर भाई ख्याल करना, काटती भी है। ओए होए काट रही है कपड़े को दोस्तों, वजीर भाई इसकी टांग खोल रहे हैं, कमाल यार कमाल, सीरियस यार कमाल, वाकई वजीर भाई कमाल हो आप यार,
शिकारी हो आप? मैं पहली मर्तबा इतने करीब से गुलेरे को देख रहा हूँ, ये रोटी खा रही है और मैं ऐसे ऐसे यहाँ पर बोल रहा हूँ, ये डर ना जाए इसलिए देखें रोटी खा रही है आराम आराम से। रोटी के साथ छली का टुकड़ा पड़ा है लेकिन ये छली नहीं खा रही है, रोटी खा रही है। रोटी काफी ज्यादा पड़ी है केज के अंदर, तो उम्मीद काफी है कि रोटी खाएगी और इसके साथ साथ और भी चीजें जो पड़ी है वो भी खाएगी। सच में यार ये तो बहुत क्यूट है यार। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि जिस आदमी ने इसे पकड़ा था वो इसे कुत्तों को खिलाने वाला था, तो मैंने उसे कहा कि आप मुझे दे दें, मैं वैसे इसे आज़ाद कर दूंगा, आज इंशाल्लाह मैं इसे आज़ाद कर दूंगा। अभी हम इसे यहाँ पर खाना खाने देते हैं, जब ये पेट भर कर खा लेगी इसके बाद हम इसे आज़ाद कर देंगे, क्योंकि ये जंगली, अगर ये जंगली ना होती, घरेलू होती, घर की पली हुई होती तो फिर मैं इसे अपने पास रखता, लेकिन अब मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता क्योंकि ये जंगली है और जंगली परिंदों को, जंगली जानवरों को बंदा कभी भी अपने पास ना रखे, इनको आज़ाद कर दो। तो मैं भी इसे आज आज़ाद कर दूंगा इंशाल्लाह। बाहर आने के लिए, आज़ाद होने के लिए यहाँ पर ये स्टैचू बनकर बैठ गए। दोस्तों यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहे हैं। आ जाएगा यार, बाहर आ जाएगा, कमज़ोर होते हैं ये। क्यों निकल पकड़ चाहती है? ये देखें दोस्तों, ये बाहर आ गया है तो बहुत ही खूबसूरत है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, माशाल्लाह। देखें दोस्तों कलर चेक करें आप उसका, दोनों दूसरे को भी निकालो, दूसरे दोनों को साथ निकालो, वो देखें ये नीचे गिर गया, उठा लें आप इसे, दूसरा निकाल यार, दूसरे को निकाल, बाहर निकाल दूसरे को, टांग से बगैर निकाल रहा है, आराम से निकालना यार, उसे कोई तकलीफ ना हो। दोस्तों दोनों बच्चे बाहर आ गए हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हैं ये, बहुत ही प्यारा कलर है। इनका नाम क्या है, क्या बुलाते हैं इनको? अच्छा यहाँ की जबान में इनको नहीं, दरखान पक्षी बुलाते हैं, वो दूध भी कहते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, ये दोनों बच्चे हैं, तकरीबन एक दो दिन तक ये उड़ जाएंगे। आज जो इनका है वो रेड कलर का है, बाकी इनके ऊपर येलो कलर भी है, ब्लैक कलर भी है, काफ़ी एक्टिव है, दो बच्चे हैं ये, इनकी काफ़ी बड़ी है। नीचे छोड़ दें आप थोड़ी देर के लिए, ये देखें दोस्तों, कल ये इंशाल्लाह उड़ कर चले जाएंगे, सेल्फ हो चुका है, आप ये उड़ने के लिए तैयार है। ये काटते तो नहीं है? नहीं काटते नहीं। तो इसे मैंने अपने हाथों से उठा लिया है, माशाल्लाह देखें दोस्तों बहुत ही खूबसूरत हैं, और ये नीचे गिर गया है, इसे उठा लें आप, कितने दिनों के होंगे ये? ये तकरीबन इनको 25 दिन हो गए, 25 दिन हो गए हैं। अच्छा इसका मतलब ये एक माह तक नहीं, फुल रेडी हो जाते हैं, बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। इनको निकाले कल ये निकलने की कोशिश, इनके माँ बाप आते हैं यहाँ पर, आते हैं हर रोज, आते हैं दिन में 8 मरतबा 10 मरतबा। इनका होल बना हुआ है जैसे पैरेट बनाते हैं, दोबारा हम इनको इनके होल में रखते हैं, देख लें आप, बहुत ही खूबसूरत है, प्यारे हैं माशाल्लाह, जो पंख है बहुत ही खूबसूरत हैं। तो अभी हम इनको दोबारा इनकी जो होल है, गोर है, घोंसला है, उसके अंदर बिठाते हैं, इसे अंदर बिठा दें आप, बिल्कुल बिठा सकते हैं आराम से। हाँ चले जाओ भाई, चले जाओ चले जाओ चले जाओ, तुम्हारा घोंसला है, चले जाओ। एक चला गया, दूसरे को अंदर छोड़ते हैं, चला जाओ, ये देखें दोस्तों दूसरा भी चला गया, अब देखें कैसे बैठे, टांग इसकी बाहर यार अंदर कर, चलो अब तो दोनों यहाँ पर आराम से रिलैक्स होकर बैठे हैं अपने घर की तरफ। दोस्तों यहाँ पर डॉग फीमेल ने अपने बच्चे दिए हुए हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बच्चे हैं, चार बच्चे हैं वजीर भैया, चार है, चार है, दूध पी रहे अपनी माँ का, ये काफी ज्यादा गुस्से हो रही है। तो अब हम चलते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको हम इनके बच्चे दिखाएंगे जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे। ये हमें काट भी सकती है, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है वजीर भाई, माशाल्लाह यार कमाल यार, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़ी शायद है दोस्तों। ये देखें ये तीसरी शायद हम देख रहे हैं इस बाग में, मुझे यार डर लग रहा है, मैं तो जा रहा हूँ। तो अभी बहुत ही खतरनाक काम हुआ है, और खतरनाक और भी ज्यादा हो सकता था, शायद ने हम पे हमला किया है, लेकिन हमने उससे ज्यादा तंग नहीं किया, अगर हम शायद को तंग करते तो शायद हमारे पीछे लग जाती। ये देखे दोस्तों एक मक्खी आ चुकी है, मारना, मारना वाला बे आ गया अपने साथ। दोस्तों देखे मेरे आंख के ऊपर बैठी मक्खी, चलो वो ये बैठी वजीर भाई यहाँ पर आ गए यार, अगा जोल जोल दोस्तों हमारे साथ बहुत ही खतरनाक सीन बना है, शायद हमारे पीछे लग गया है, अभी भी एक दो मक्खियां मेरे पीछे घूम रही है। ये देखे दोस्तों, तो मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ दोस्तों, अभी काफी ज्यादा शायद मेरे पीछे लगी हुई है, काफी खतरा हो गया दोस्तों। ये उस शायद की मक्खी का डंग है जिसने मुझे काटा था, काफी तेज है ये, एक गल है इसने यहाँ सारा सत्यानाश कर दिया है। ये इसके देखे आप बहुत ही खतरनाक इसके पंजे,
आज हमारे घर में एक नया मेहमान आया है, जिंदगी में पहली मर्तबा मेरे हाथ में ये बाज आया है। ये मैं अभी बाहर से एक बंदा जा रहा था, वो बेचने जा रहा था इसे, तो मैंने उससे लिया है और इसके जो नाखून है इसने मुझे यहाँ पर मारा है, खून आ रहा है। तो अब हम इसे ये दे रहे हैं, इसे देखिए ये उल्टा लटका हुआ है, काफ़ी तेज है दोस्तों। ये इसकी शाम की खुराक है और ये हम इसे सुबह देंगे। तो दोस्तों अगर आपको भी इसके बारे में कोई भी मालूमात पता हो तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसका नाम हमने किंग रख दिया है, इसकी ये खुराक हम निकाल रहे हैं, इसने ये नहीं खाया था, तो आज इसे हम एक नई खुराक देंगे, वो है मुर्गी की गर्दन और चर्बी। मुझे एक दोस्त ने बताया था कि आप इसे नहीं मुर्गी की गर्दन दें, ये मुर्गी की गर्दन खाता है और इसे पानी दें, साथ में मैंने चर्बी भी थोड़ी सी ऐड कर दी है। काफ़ी तेज़ है ये गल, इसने यहाँ सारा सत्यानाश कर दिया है। ये देखें ये झूला भी तोड़ दिया इसने, यहाँ पर ये स्टिक लगी हुई थी प्लास्टिक की, ये भी तोड़ दिया है। पानी मैंने इसका निकाल लिया था, इसने सारा पानी गंदा कर दिया था, अब इसे और पानी देते हैं ताज़ा पानी। अभी चलते हम इसके लिए स्टिक बनाने और फिर ये अंदर जो सारा गंद मचा हुआ है ये भी निकालेंगे। देखें ये उल्टा लटका हुआ है, देखें आप बहुत ही ख़तरनाक है इसके पंजे। करूँगा कि इसके लिए मैं बड़ा केज बनवाऊँ जहाँ पर ये अच्छी तरह से रह सके। तो फिलहाल तो मैंने इसे यहाँ पर रखा हुआ है जो मेरे लव बर्ड का केज है, तो इसका केज भी हम इंशाल्लाह चेंज करेंगे। आधी खुराक मैंने इसकी यहाँ पर रख दिया है, आधी ये प्लेट में है जो मैं इसे बाद में दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अच्छे से अपने कामों में बिजी होंगे। पीछे आपको कीकर का दरख्त नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ से हम अपने ईगल की स्टिक तोड़ेंगे। कीकर की स्टिक हमें मिल चुकी है और अभी जाकर हम इसे घर सेट करेंगे और फिर अपने किंग के केज में लगाएंगे। अब हमारा किंग इस स्टिक के ऊपर बैठेगा और ये स्टिक मजबूती से लगी हुई है, ये देखें आप। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा ईगल स्टिक के ऊपर बैठा हुआ है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओ भाई साहब चेक करें यार, ये क्या चीज है यार, यहाँ पर कैसे, यार ये तो बहुत बड़ा यार, होए यार ये शहीन तो नहीं है, मुझे शहीन लग रहा है यार, बहुत बड़ा, यहाँ पर ये कैसे आ गया यार, किसका ये, ओ देखें यहाँ पर बैठ गया, ओ गिरता यार, ये क्या कर रहा है, वो क्या हो गया तुझे, सच में यार ये तो बहुत कमाल है दोस्तों। इसके पार देखो यार कितने बड़े बड़े इसके पंख है यार। दोस्तों आपको शायद वीडियो में सही तरह दिखाई ना दे रहा हूँ लेकिन इसका साइज बहुत बड़ा है, देखें ये दोस्तों उड़ने की कोशिश कर रहा है और इसकी टांग भी बांधी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी टांग बंधी हुई है जंजीर के साथ और पीछे छोटी सी रस्सी है, इसकी टांग बंधी हुई है, पार इसके खुले हुए हैं दोस्तों, ये बहुत ही ख़तरनाक है। ये देखें जंजीर दोस्तों, इस जंजीर से ये बंधा हुआ है, ये पीछे छोटी सी रस्सी है, इसके इर्द गिर्द अभी हमें यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा यार, मैं तो कहता हूँ इसे हम यहाँ पर पकड़ कर आज़ाद कर देते हैं। माशाल्लाह यार इस तरह की चीज़ आपने पहले कभी, ओ यार ये देखें फ्लाई कर रहा है, वो बहुत ही ख़तरनाक है, देखें जैसे मैं नीचे जाता हूँ तो ये मुझे देखने लग जाते हैं, ओए सच में यार ये बहुत ही कमाल की चीज है। वैसे इनको बंदा रख, उनको बजीस बैठ का एक प्लेयर देते और जंगली परिंदा ले आते, उसे आजाद करते हैं। चलिए दोस्तों बर्ड्स वाली शॉप में हम दोस्तों पहुंच चुके हैं, यहाँ पर मैं आपको जंगली परिंदा दिखाता हूँ, ये देखें ये बैठा है जंगली परिंदा, यहाँ पर काफी ज्यादा ये फरफरा रहा है। सौदा हमारा डन हो चुका है, बजीस प्लेट हमने इनको दे दिया है, जंगली परिंदा ये पकड़ कर हमें दे रहे हैं जाली के अंदर। दोस्तों जब मैं इसे ले रहा था तो ये काफी ज्यादा शोर कर रहा था, तो ये अब हमारे पास आ गया है केज में, हमने इसे छोड़ दिया है, माशाल्लाह यहाँ पर ये काफी ज्यादा रिलैक्स होकर बैठा है, इसने यहाँ पर आकर रोटी खाना स्टार्ट कर दिया, तो इसे काफी ज्यादा भूख लगी हुई है, ये पानी भी पिएगा और उम्मीद काफी है कि ये बाजरा भी खाएगा। बाजरे और पानी को ये देख रहा है, लगता है इसे भूख और प्यास लगी हुई है। बेबी पैरट को हमने अपने रिंगनिंग पैरट के केज में शिफ्ट कर दिया है, वहाँ पर एक पोर्शन खाली था और इसको हमने यहाँ पर रखा हुआ है, इसे पानी में भिगोते हैं, इसे रोटी देते हैं, पहले केज में जो रोटी पड़ी थी वो खा रहा था, रोटी मैंने केज के अंदर रख दी है, ये देखें दोस्तों। रोटी छोटी रखने के बाद हम इसे बाहर ले आए हैं, ये देखें यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत आमों का बाग है, तो यहाँ पर ये इंजॉय करेगा और आवाज़ें निकालेगा। तो 3 दिन तक हम इसे अपने पास रखेंगे और इसके बाद हम इसे आज़ाद कर देंगे, क्योंकि ये जंगली परिंदा है और जंगली परिंदे पिंजरों में रहना पसंद नहीं करते। ज़िंदगी में पहली मरतबा दोस्तों मैंने इस बर्ड्स को अपने हाथों से पकड़ा है, तो मुझे थोड़ी सी घबराहट भी महसूस हो रही है, यहाँ काफ़ी मजबूत है इसके पंजे और ख़तरनाक हैं। तो अब टाइम आ चुका है रोफ ट्रिपी को आज़ाद करने का, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कौवे आ चुके हैं, शोर कर रहे हैं, तो मैं अभी आपको कौवों की आवाज़ भी सुनाता हूँ, इसने मेरे हाथ के ऊपर काटा हुआ है, काफ़ी ज़ोर से काटा हुआ है इसने, ये देखें कौवे आ चुके हैं यहाँ पर। मौसम भी आज नॉर्मल है, सही है मौसम, ज़्यादा गर्म नहीं है, उम्मीद काफ़ी है कि ये कुछ देर बाद अपने घर पहुँच जाएगा, तो इसे हम यहाँ पर आज़ाद करते हैं। रोफ ट्रिपी अब तुम आज़ाद हो।
सारे कवे इसके पीछे लग गए। इसने मुझे यहाँ पर जोर सी बाइट किया है। ये मेरा हाथ चेक करें आप यहाँ पर, इसकी शक्ल देखकर भी डर लगता है। ये कोयल का बच्चा है यार। ये कोयल का दोस्तों, ये कोयल के बच्चे हैं, दो कोयल के बच्चे हैं और एक करो का बच्चा है, कवे का बच्चा है। आपने ये कब देखे थे? जब ये बच्चे थे। इन तीनों बच्चों को कवे पाल रहे हैं, कोयल नहीं पालती। कोयल ने अपने अंडे कवे के घोंसले में दिए थे तो उनके बच्चे निकल आए हैं, अब इनके बच्चों को कवे पाल रहे हैं। ये कोयल के दो बच्चे हैं। बच्चा यहाँ पर चिल्ला रहा है, ये अपने माँ बाप को बुला रहा है। ये देखे दोस्तों, यहाँ पर ऊपर कवे आ चुके हैं। इन बच्चों के जो माँ बाप हैं इनको कवे पाल रहे हैं, दोनों आए हुए हैं। ये दूसरे कवों को भी बुला रहे हैं, तीसरा भी आ चुका है यहाँ पर। काफी ज्यादा कवे आ रहे हैं, आप इनके बच्चों को उछाल कर दिखा रहे हैं तो इनको गुस्सा लग जाएगा, ये अभी नीचे आ जाएंगे। इसे देखे यहाँ पर, ये अपने पंजों से ऊपर चढ़ा हुआ है इसके ऊपर। यार तुझे डर नहीं लगता इनसे? तू तो काफी ज्यादा बहादुर है यार। वजीर भाई को दे दो ये तीनों बच्चे। वजीर भाई आप इनको उठा कर दिखाए। लेकिन कोयल इससे भी ज्यादा चलाक है, कवे से भी ज्यादा चलाक है। अब कोयल के बच्चे जो है वो कवा पाल रहा है। कवा पालेगा, कोयल लेके चली जाएगी। जैसे ये उड़ने के काबिल हो जाएंगे ये अपनी माँ के साथ चले जाएंगे। कवे का बच्चा कवे का। वजीर भाई आप इनको पालते हैं, उठाते हैं आप? नहीं, हम उठाते हैं, पालते भी हैं, दाना भी खिलाते हैं। चलिए वजीर भाई अभी इनको दोबारा रखते हैं और कवों का भी शुगल देखते हैं। दोस्तों देखे काफी ज्यादा खौफनाक है, इसकी शक्ल देख कर भी डर लगता है। ये बहादुर बच्चा है, ये बहादुर बच्चा है। डर नहीं लगता यार आपको? नहीं। दोस्तों इसके पंजे चेक करें आप, काफी ज्यादा खतरनाक हैं। खतरनाक होता है कि ये सांप को भी इन पंजों से पकड़ लेता है। ये तकरीबन 2 फुट का सांप जो है ना पकड़ के खा लेते हैं। ये वो परिंदा है, वैसे हम इसे डोडर कां कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये हल्के हल्के रेड है। अब ये बड़ा होगा इसके जो पंख यहाँ पर सारे रेड हो जाएंगे। जिस चीज को जकड़ लेते हैं ये उसे नहीं छोड़ते। ये अपने इन पंजों से सांप को भी पकड़ लेते हैं? बिल्कुल पकड़ लेते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है, कई मर्तबा देखा है। चलें वजीर भाई आप इसे दोबारा रखते हैं, काफी टाइम हो गया, इसके माँ बाप परेशान हो रहे होंगे, तो चलते हैं इसे दोबारा रखते हैं। तो दोस्तों ये जा रहा है ऊपर इसे रखने के लिए दोबारा, इस बच्चे को। बच्चा नहीं है ये, है वैसे काफी बड़ा, तो इसे ऊपर रख दे। वजीर भाई दे दे इनको। चले काट रहे हैं, काट रहे हैं, दिखा रहे हैं। ओ भाई वो, ये तो बहुत ही खूबसूरत परिंदा है। काट रहा है यार, तुझे दर्द नहीं हो रहा अहमद? ओए पकड़ ले, पकड़ पकड़ ले अहमद ये तोता। वजीर, हाँ वजीर भाई को दे दो और देखो इसके अंदर क्या है, होल के अंदर देखो क्या है। वजीर भाई आप हाथ हटा दो। बच्चे हैं इसके, बाहर निकालो जल्दी। ओए होए 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 यार, ये तो बहुत छोटा बच्चा है, दिखाना। और भी है अहमद, और बच्चे हैं? और भी हैं। निकालो उनको भी बाहर निकालो। दो बच्चे हो गए अहमद, और कोई बच्चा है इसके अंदर? वो तीसरा बच्चा अहमद ने निकाल लिया है। वो यार ये तो बहुत छोटे हैं, तीनों बच्चे बहुत छोटे हैं। ओए होए होए, और देखो और देखो, और अहमद कुछ है देखना? अंडा, वो ये अंडा निकला है। अहमद अंदर तोता बैठा, तुझे पता है तेरे हाथ के बिल्कुल करीब बैठा है। ये देखे ये बैठा है, आराम से बैठा है दोस्तों, ये डर भी नहीं रहा। मुझे तो लगता है ये घरेलू हैं, किसी के घर से ये निकले होंगे और यहाँ पर आकर इन्होंने बच्चे दे दिए हैं। ओए होए शोर करने लगे, मुझे लगता है ये फीमेल को बुला रहा है, ये नर है और मादा को ये बुला रहा है। ये मादा को बुला रहा है, मादा को कह रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो किसी ने उठा लिए, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहा है, फीमेल को बुला रहा है। तो हम वेट करते हैं, फीमेल आ जाएगी तो फीमेल को भी हम पकड़ेंगे और आपको दिखाएंगे। इसे अभी हम यहाँ पर बैठने देते हैं और देखते हैं कि फीमेल आती है या नहीं आती। देखें दोस्तों कैसे अजीब लग रहा है, बजीज पैरेट हॉल के अंदर बैठा है। ये देखें माशाल्लाह यार कमाल, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये है भी येलो कलर का। इसके यार अभी हम करीब रुक जाते हैं, अगर ये बाहर निकल गया तो फिर से पकड़ना नामुमकिन होगा। ये चला जाएगा और कर इसके जो बच्चे हैं वो भी मर जाएंगे, उनको कोई नहीं पालेगा। फीमेल भी नहीं आ रही तो इसलिए अभी हम इसके करीब खड़े हैं ताकि ये उड़ कर कहीं और ना चला जाए। देखें हॉल के अंदर बैठा है, उड़ नहीं रहा, बाहर नहीं निकल रहा। तो अभी हम इसे यहाँ पर बैठने देते हैं, थोड़ा देर वेट करते हैं फीमेल का, फीमेल जब आएगी। ये देखें दोस्तों, ये बेचारी यहाँ पर फंसी हुई है हमारे घर। मुझे वैसे ये फीमेल लग रही है, इसके कान चेक करें आप। दोस्तों वैसे ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, तो मुझे इसे नहीं थोड़ा दूर रहना चाहिए, वरना ये मुझे भी कुछ नुकसान पहुँचा सकती है। इसकी दुम भी बनी हुई है और पाँव भी हैं। मेरे हाथ में ये रोटी है, मैं यहाँ पर डॉग को ये डालता हूँ रोटी, ये खाएगा, ये खा रहा है। और थोड़ी से मैं इसे भी डालता हूँ, शायद ये खाए, मुंह छुपा लिया इसने। यहाँ पर ये डॉग रोटी खा रहा है, तो ये डेली यहाँ पर आता है, पैरा देता है, काफ़ी देर तक यहाँ बैठ रहता है।
इस जगह पर। वो मुंह खुला, इसकी जुबान चेक करें, ये अभी यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स हो चुकी है। दुम चेक करें आप इसकी, अभी थोड़ा सा ये चल रही है तो इसे उस तरह भगाता हूँ। ये डॉग भी सामने आ गए, से फिर दोबारा मैं भगाता हूँ। ये बैठा है, ये जा रही दोस्तों, ये आप बाहर चले गए। तो दोस्तों YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज।